तो कैसे हो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का तैयारी बहुत ही मस्त चल रहा होगा। और चले भी क्यों नहीं, आप लोग इतना मेहनत जो कर रहे हैं, मैं उन्हीं मेहनत को आपको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आपको बायोलॉजी का ये फाउंडेशन बैच लेकर आया हूँ। मैं बायोलॉजी का, जैसे पिछले क्लास में ही बताया था कि बायोलॉजी का ये जो हमारा वीडियो होगा इतना ही डिटेल्स होगा जो कि आपने कभी YouTube पे ऐसा क्लास ना ही किए होंगे, ना ही आप ऑफलाइन सेंटर में ऐसा क्लास किए होंगे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स एकदम बताने वाला हूं इस वीडियो के हेल्प से, इस चैनल के हेल्प से। इसलिए आप लोगों को जल्द से जल्द हमारे चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, जिससे कि आप लोगों को हर एक बायोलॉजी का क्लास आप लोग फ्री में कर सकें। और इतना ही डिटेल्स कि आप लोग कोई भी एग्जाम में जाए ना, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन छूटने पाए, ठीक है। मैं उसी उद्देश्य से आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच जो कि बायोलॉजी का इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बता दिया, इसलिए बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया हूँ कि बायोलॉजी का नाम कैसे रखा गया, ठीक है। बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या वजह है, बॉटनी के पिता किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका क्या वजह है, इसका बायोलॉजी को क्लासिफाई क्यों करना जरूरी है, और इसको दो जगत में कैरोलस लिनियस के द्वारा बांटा गया, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था इसको पांच जगत में आरएच वेक्टर के द्वारा बांटा गया था। यहाँ पे मैंने आपको पिछले क्लास में यहाँ पे मैंने आपको बताया था लास्ट, आरएच वेक्टर ने 1969 ईस्वी में इन्होंने बायोलॉजी को पाँच भागों में बांट दिया, पाँच जगत में, फाइव क्लासिफिकेशन ऑफ फाइव किंगडम्स, ठीक है, पांच भागों में बांट दिया था। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारा प्रीवियस क्लास का कुछ आपको मैंने रिवाइज करवा दिया, कुछ कुछ बातें मैंने आपको पूरा तो नहीं बताया ना। अब हम लोग एकदम बेहतरीन रूप से समझते हैं आगे के क्लास को, यहां पे समझते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले आता है इन्होंने आरएच वेक्टर ने जो पांच भागों बायोलॉजी को पांच जगत में बांटा था, सबसे पहले हम बताते हैं मोनेरा के बारे में। ये मोनेरा क्या होते हैं, ठीक है, ये मोनेरा क्या होते हैं, ये एक किंगडम्स है, एक जगत है बायोलॉजी का। इनको हम लोग इतना ही आसान भाषा में समझ जाएंगे, इतना ही अच्छे तरह समझेंगे, जिससे कि जैसे कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड्स को समझते हैं इतना अच्छे रूपे से, ठीक है, एकदम बहुत ही अच्छे तरह से बता देंगे। देखिए, मोनेरा जो है वो एक तरह का प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव हम किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हम उसको बोलते हैं जिसको कि हम अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं, ठीक है। प्रो, आप लोग इसको याद कैसे कीजिएगा, आप लोग फ्री फायर या नहीं तो आप लोग पबजी खेले होंगे, उनमें एक प्रो प्लेयर आता है, और एक ऐसा प्रो प्लेयर आता है जो कि दिखाइए नहीं देता है, किधर से गोली चला रहा है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में कोई भी जीव दिखाई नहीं देते हैं, मतलब इतना ही छोटे होते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा छोटे होते हैं, समझे बात को। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक में हम लोग थोड़े नाते हैं, बताइए हम लोग को क्या कोई नहीं देख पाएगा, एकदम आंख नहीं, आप लोग देखते भी हो मार्केट सब में, आप लोग समझ गए आगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि भाई वैसे जीव आते हैं प्रोकैरियोटिक में जो कि जिसको दिखाई नहीं देता, हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटे होते हैं, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, ठीक है, मोनेरा ये होते हैं। और इसमें यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है, यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि एक कोशिकीय जीव। ये जो है ना मोनेरा, एक तरह का आपको यहाँ पे मोनेरा का फिगर दिख रहा होगा, ये मोनेरा जो है एक तरह का एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही कोशिका होती है। बताइए इतना ज्यादा छोटा है तो इसमें क्या चार पांच, इसमें पूरा का पूरा कोशिके होगा पूरा शरीर में, समझ रहे हैं ना। तो इसमें एक कोशिका होती है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिका होती है इसलिए इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर, ठीक है। और एक बात और बताइए, इसका जो कोशिका होते हैं, हम लोगों के कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन इन लोगों के मोनेरा के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो बात समझा, केंद्रक इसमें नहीं होता है। तो केंद्रक के जगह होता क्या है, क्योंकि देखिए कोशिका में, सेल में केंद्रक जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, वो अगर नहीं होता है, ठीक है, वो अगर नहीं हुआ तो
उस कोशिका का कंट्रोल कौन करेगा, उस जीव को कंट्रोल कौन करता है, क्योंकि केंद्रक जो होता है पूरे सभी चीज को कंट्रोल, पूरे कोशिका को कंट्रोल करके रखता है, सेल को कंट्रोल करके रखता है। जिस तरह हमारा ब्रेन जो है पूरे चीज पूरा बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, हम किसी को मारना चाहे तो मार देते हैं, हमको अगर नहीं कहेगा कि फलना को नहीं मारो तो आप क्या मार पाइएगा, नहीं मार पाइएगा। उसी तरह से केंद्रक क्या कहते हैं, पूरा सेल को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो बताइए इसमें केंद्रक होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब केंद्रक होता ही नहीं है तो उसके जगह होता क्या है भाई, तो उसके जगह होता है केंद्रकाव। क्या होता है, केंद्रकाव होते हैं, केंद्रक नहीं होता है बल्कि क्या होता है, केंद्रकाव। जो केंद्रक काम करता है वही काम करता है केंद्रकाव करता है, किसके किसमें होता है, मोनेरा में होता है, ठीक है। और जिसको हम बोलते हैं डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं केंद्रकाव को, बात समझ गया। जिसको हम हमारे भाषा में होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कोई तो दिक्कत। अब देखिए इसमें, देखिए मोनेरा में एक बात आपको मैं बता दूं, इसमें कोशिकांग नहीं होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कोशिकांग क्या होता है, कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का भी जितने भी ऑर्गन्स है, ठीक है, वो कोई भी नहीं होता है, कोशिका का एक भी अंग नहीं होता है। जिस तरह की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गॉल्जी बॉडी होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, कोशिका में होता है ना जी, सब इस सबको बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है, कोशिका का अंग है ये भाई, ठीक है, कोशिका का अंग है इसलिए बोलते हैं कोशिकांग। तो कोशिकांग में इसमें जो है मोनेरा इतना ज्यादा छोटा होता है, इसमें कोई भी तरह का कोशिकांग नहीं होता है, कोशिका का अंग नहीं होता है। यहां तक समझ आ गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी यूनिसेलुलर जीव हैं, जितने भी यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक हम बोलते हैं किसको, यू का मतलब आप, यू का मतलब क्या होता है, आप, तुम, ठीक है, तो तुम में से कोई, ठीक है, तो जो दिखाई दे दे मतलब कि हम लोगों में से कोई, ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब तुम में से कोई, तो हम लोगों में से कोई, ठीक है, जो दिखाई दे दे उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, और जो दिखाई ना दे प्रोकैरियोटिक, मतलब कि पबजी का बड़ा प्रो प्लेयर है ना, तो प्रोकैरियोटिक, बात समझे ना, समझे। जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसी वजह से उसमें जो होता है राइबोसोम जो होता है 70S का राइबोसोम होता है। देखिए जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं, जैसे कि हम लोग आते हैं यूकैरियोटिक जीव में, ठीक है, तो हम लोगों में 80S राइबोसोम है, लेकिन जितने भी छोटे जीव जंतु हैं जिसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो आते हैं प्रोकैरियोटिक में, और इसमें 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के राइबोसोम समझ आ गया, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होता है छोटे जीव जंतु में होता है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है हमारे नंगे आंखों से, बुझे बात को। एक होता है अलैंगिक, देखिए एक बात बताते हैं, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये क्या कहते हैं मोनेरा, इसका ये क्या है, मोनेरा है। एक बात बताऊं, मोनेरा में जैसा कि मैंने बताया इसमें कोशिकांग नहीं होते, कोशिका का कोई अंग नहीं होता है, लेकिन इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन गाछ वृक्ष में होता है, और ये होता कहाँ पे, जैसे गाछ जो होता है हमारा, जो प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स का जो छाल होता है उसी में क्या होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो भी प्लांट सब होते हैं उसमें होता है, और कोशिका भित्ति कठोर चीजों में होते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कठोर चीजों में होते हैं। तो बताइए इसमें जो है मोनेरा जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, तो इसलिए ये जो है काफी ज्यादा कठोर होता है। कठोर का मतलब ये कि भाई ये कोई भी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, यानी 80 डिग्री सेल्सियस को, गर्मी को ये बर्दाश्त कर सकता है, और -80 डिग्री सेल्सियस को भी ये बर्दाश्त कर सकता है। तो मतलब इसका सहन शक्ति जो है ये 80 डिग्री प्लस में भी है और माइनस में भी है। प्लस का मतलब ये हो गया कि गर्मी में भी 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तापमान पे ये रह सकता है, ठीक है। हम लोगों में भाई अभी कहता है 42-43 डिग्री सेल्सियस,
ओकरे में कहते हैं कि साला गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, पसीना पसीना हो जाते हैं, एकदम पसीना टपकने लगता है और जितने भी लड़कियाँ होती हैं सभी का मेकअप धुल जाता है। तो बताइए ये जो होते हैं मोनेरा, मोनेरा में होते हैं एक सेल मेम्ब्रेन और ये जो होता है कितना ज़्यादा टेम्परेचर 80 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर सकता है और 80 डिग्री ठंड को भी बर्दाश्त कर सकता है। बता सकते हैं कि भाई 80 डिग्री ठंड को ये बर्दाश्त कर दिया, मतलब क्या जहां पे कत्तो ज्यादा बर्फ पड़ रहा है तैयो ये बर्दाश्त करके रह सकता है, अपने आप को बचा सकता है। समझ में आ गया क्या? तो इसका सहन शक्ति जो है ठंडी में भी, मतलब कि माइनस 80 डिग्री भी है और प्लस 80 डिग्री भी है। ठीक है, एक तरह और बातें बताता हूं, ये जो है ना ये अलैंगिक प्रजनन करता है यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि बिना, जैसे अगर हम मेल हैं तो हम फीमेल के पास जाए बिना अपने जैसा संतान को पैदा कर लिए हैं, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात को समझे। जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोग मेल को, हम अगर मेल हैं हम तो हम फीमेल को ढूंढेंगे, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन को अपनाने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसे संतान को पैदा करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ई लोग जो है मोनेरा सब असेक्सुअल में आते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, मतलब बिना किसी के पास गए ये अपने आप को विभाजित कर लेता है, यानी अपने आप को विभाजित कर लेता है और ये अपने जैसा ही संतान को पैदा कर लेता है। बात को समझे कि नहीं समझे? यानी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है। और एक बात बताते हैं, ये जो है ना ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब ये हो गया कि भाई ये सभी जगह पाया जाता है, सभी जगह, चाहे वो मिट्टी हो, मिट्टी से लेकर के पानी, ठीक है, जमीन, पत्ता, घास फूस, जितना भी चीज़ें हैं सभी जगह ही पाया जाता है। बर्फ के इलाके में भी ये पाया जाता है मोनेरा, तो सभी जगह यानी सर्वव्यापी है, सभी जगह पाया जाता है, कौन? मोनेरा। ठीक है, और एक बात क्या, ये अब एग्जांपल समझ लीजिए, मोनेरा का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया आ गया, जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सभी के सभी मोनेरा में आते हैं। ठीक है, वो मोनेरा किंगडम्स में आते हैं, जितने बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ब्लू ग्रीन शैवाल जो हो गया, ये सभी के सभी किस में आते हैं भाई? ये सभी के सभी मोनेरा में आते हैं। बात को समझे कि नहीं समझे? जितने बैक्टीरिया हो गया। अब देखिए, ये तो था मोनेरा के बारे में कुछ बातें। जैसा कि मेरा जो क्लास होगा, आप लोग किसी और का तो क्लास कर नहीं रहे हैं, आप कर रहे हैं हमारा क्लास, कर्मा जीएस सेंटर पे आए हैं, तो अब मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक और डिटेल से डिटेल बताया जाए। तो इसकी उसी का ओर हम चलते हैं, यहाँ पे अगले पेज में आपको और मोनेरा के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। अब बोलिएगा वो कौन सी बातें हैं? देखिए बाबू, मोनेरा को सबसे पहले अगर हम बात करें देखा कौन था, तो वो बोलिएगा एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने इसको सबसे पहली बार देखा था, ठीक है, अपने माइक्रोस्कोप से, ठीक है, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से सबसे पहली बार एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहली बार देखा था। कहां कहां देखा था? ई जब देख रहे थे ना, इसका दिमाग फेल हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या देखा कि जल में भी यानी वाटर में भी ये कहते हैं मोनेरा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? वाटर में भी होते हैं। इन्होंने वाटर को ऐसे देखना चालू किया माइक्रोस्कोप से, एकरो दिमाग खराब हो गया, बैक्टीरिया तो इसमें भी होते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वाटर में भी होते हैं, सलेवा बोलते हैं लार में, हमारा जो लार बनता है, आप लोगों को ये बताना है कि हमारे शरीर में लार एक दिन में, सलेवा जो होते हैं एक दिन में कितना बनता है, तो आप लोग अगर नहीं भी जानते हैं मैं बता देता हूं कि भाई 1.5 लीटर जो है सलेवा हमारे माउथ में बनता है एक दिन में, और जो बच्चा होता है 2 लीटर बन जाता है, क्योंकि बच्चा सब देखिएगा लार सलेवा जो होते हैं उसका ऐसे टपकते टपक गिरता रहेगा, ठीक है, उसकी मम्मी यहाँ पे रुमाल बांध देती है, समय समय पूछ देती है, ठीक है, सलेवा को, लार को, ठीक है, लार चुहते रहता है। और एक वो ऐसा भी इंसान है जो कि भाई सोता जो है ना तकिया भिगा देगा पूरा लार से, ठीक है, ऐसा भी होते हैं।
तो भाई हमारे अब उस समय क्या लार ज्यादा बनता है, ठीक है, लार बनना अच्छी बात है। तो इन्होंने लार में जब देखा, देखना स्टार्ट किया एंटोनी लिवेनहॉक ने, तो इसको लार में भी बैक्टीरिया कुछ दिखाई दिया, दांत। अब भाई दांत में क्या, दांत का ये इन्होंने कुछ जो गंदगी वाला पार्ट है उसको खरोच करके निकाला, दांत का खरोच करके निकाला गंदा वाला पार्ट, उसको जब देखा, उसको जब देखा माइक्रोस्कोप से, ओकरा में भी बैक्टीरिया था। तो इन सभी जगहों पे बैक्टीरिया किसको मिला, एंटोनी लिवेनहॉक को मिला, ठीक है, बात को क्लियर हो रही है। इसको जो ये बैक्टीरिया मिला था 1683 ईस्वी में, ये बैक्टीरिया को मिला था 1683 ईस्वी में, इसको इन्होंने बैक्टीरिया को खोज निकाला था, बात को क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इसको इन्होंने तो केवल खोज दिया, लेकिन बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया नाम, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते जीवाणु, जीवाणु को, जीवाणु का नाम किन्होंने दिया, तो आप बोलिएगा एरनबर्ग ने, ठीक है, एरनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्होंने नाम दिया कि भाई बैक्टीरिया का बैक्टीरिया नाम होगा, बैक्टीरिया को हिंदी बोलते जीवाणु, ठीक है, जीवाणु नाम दिया था किन्होंने, एरनबर्ग ने 1829 में। कुछ और बातें हम लोग इससे हट करके चलते हैं, लुईस पास्चर था, ठीक है, लुईस पास्चर, इन्होंने क्या कहा इसके बारे में, मोनेरा के बारे में, इन जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में क्या कहा, कि बैक्टीरिया के वजह से ही किण्वन का प्रोसेस हो पाता है। अब आप लोग यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा होगा ये किण्वन का होता है, किण्वन बोलते हैं किसको पता है, किण्वन बोलते जैसे मान ली कोई चीज़ सरता गलता है, ठीक है, दूध से जो दही बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन का प्रोसेस, ठीक है, दूध से दही बनने का प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन का प्रोसेस। ये जो किण्वन जो होता है, दूध से जो दही बनता है, वो किसके दौरान होता है, वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है, ठीक है, वस्तु जो सरता है, वस्तुओं का जो सरना गलना होता है, ई जो होता है ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। क्लियर है यहाँ तक, आप लोग समझ आ रहा है। और एक बात, ये कौन कहा था, लुईस पाश्चर ने कहा था, ठीक है। अब हम लोग कुछ आगे बताते हैं, देखिए ये जो जैसा कि मैंने बताया किण्वन का प्रोसेस जो होता है, किण्वन का प्रोसेस क्या होता है, दूध से दही बनना, ठीक है, और दूध से दही बनाने में हमारा लैक्टोबैलोसिस बैक्टीरिया काम करता है, कौन काम करता है, उसका नाम है लैक्टोबैलोसिस नामक बैक्टीरिया दूध को दही बना देता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में आता है कि भाई दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया अपना अहम भूमिका निभाता है, तो आप बोलिएगा लैक्टोबैलोसिस, लैक्टोबैलोसिस बैक्टीरिया, लैक्टोबैलोसिस जीवाणु बोलिए या फिर बैक्टीरिया बोलिए, ये दूध को दही बनाता है, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन का प्रोसेस, यहाँ पे जैसा कि मैंने बता दिया। अब देखिए लुईस पाश्चर का ये कहना हुआ, अब रॉबर्ट कोच का कहना ये हुआ कि भाई हैजा जो होते हैं, हैजा हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस जो बीमारी होती है, ये हमारे ट्यूबरक्यूलोसिस जो है एक बीमारी है, ठीक है, और हैजा भी एक तरह का बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के वजह से ही होता है, इसको सबसे पहली बार रॉबर्ट कोच के द्वारा बताया गया था। समझ आ गया, मैंने आपको इतना बातें बता दिया, अब हम लोग मोनेरा का कहानी खत्म हो गया, अब हम लोग बताते हैं प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है, क्योंकि चार को जगत के बारे में बताया था, एक जगत मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब बताऊंगा किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, उसके बाद आपको फंगी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, आपको मैं आज के क्लास में प्रोटिस्टा तक बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है हर एक वीडियो डिटेल से होता है, आपको कोई भी एग्जाम में इससे छूटने वाला एग्जाम नहीं है, ठीक है भाई, आपका हर एक टॉपिक इसी चीजों से आ सकता है, आपको मैं इतना ही डिटेल बताऊंगा, आप लोग इससे पहले, आज से पहले कभी इतना डिटेल्स क्लास नहीं किए होंगे जितना कि आज कर रहे होंगे, ठीक है, मेरा क्लास कर रहे होंगे। देखिए आगे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ बातें प्रोटिस्टा के बारे में, ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, प्रोटिस्टा आप लोग चित्र में देख पा रहे हो इस प्रकार से प्रोटिस्टा होते हैं, और प्रोटिस्टा जो होता है ना एक यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक जीव हम उसको बोलते हैं, यू मतलब आता वही आ गया, प्रो मतलब छोटका, यू मतलब हम जिसको देख पाते हैं, ठीक है, यू मतलब तुम में से कोई, अब आपने समझ लिया हम ही लोगों को बोल रहा है, ठीक है, सस्पिशन आप लोगों को हटाना ही जरूरी है, ठीक है, यूकैरियोटिक में आता है क्या, मतलब प्रोटिस्टा जो होता है यूकैरियोटिक मतलब इसको दिखाई दे देता है आंखों से, ठीक है,
अब यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा यूकैरियोटिक जीवों का, बहुत सारे एग्जांपल्स आता है, ठीक है। यूकैरियोटिक जो होता है इसमें भी यूनिसेलुलर होता है, ये भी एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव है, मतलब क्या इसमें भी एक कोशिका पाई जाती है, इससे ज्यादा कोशिका नहीं पाई जाती है, बात को समझा गया। अब देखिए ये प्रोटिस्टा जो होते हैं, जितने यहाँ पे आपको प्रोटिस्टा का फिगर दिख रहा होगा, ये प्रोटिस्टा जो है ये सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, किससे घिरे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। आप लोगों को यहां तक समझा गया क्या, सेल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं प्रोटिस्टा, ठीक है। और एक बात और कि भाई ये जो है यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर का मतलब इसमें एक कोशिका होती है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, इसका जो नाभिक होता है, नाभिक ठीक है, ये इसका जो नाभिक होता है इसमें ये जो है परमाणु से घिरा होता है, ठीक है। नाभिक बोलते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है, यानी केंद्रक बोल सकते हैं, केंद्रक जो है ये परमाणु से घिरा होता है, ठीक है। और ये जो यूनिसेलुलर है ना, ये एक कोशिका तो होती है लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए वे सभी काम कर लेती है जिससे कि वो बच सके, अपना जीवन को जी सके, ठीक है, अपना सर्वाइव कर सके, सर्वाइवल रख सके अपने लाइफ को, ठीक है। वो सभी काम कर लेता है किससे, ये कहीं कोशिका से, बात को समझे नहीं समझे। अब समझते हैं प्रोटिस्टा के अध्ययन को, ठीक है, यानी स्टडी ऑफ प्रोटिस्टा इज कॉल्ड प्रोटिस्टोलॉजी, ठीक है। हम प्रोटिस्टा के अध्ययन को प्रोटिस्टोलॉजी कहते हैं, मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, अगर हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने लगते हैं तो हमको क्या कहिएगा आप लोग, प्रोटिस्टोलॉजी कहिएगा, क्या कहिएगा, प्रोटिस्टोलॉजी। अगर हम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने लगते हैं उसको बोलते हैं प्रोटिस्टोलॉजी, क्लियर है। अब हम लोग आगे के टॉपिक यहां पे समझते हैं अगले पेज में, ठीक है। यहां पे देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा आपको थोड़ा सा, लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए इतना तब सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं क्लोरोफिल होते हैं, क्यों क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल किस में होता है, हरे सब चीज़ों में, हरे सब चीज़ों में, क्योंकि ये देखिए ये प्रोटिस्टा जो होते हैं ये हरा भी होता है लाल भी होता है, मतलब सभी में क्लोरोफिल नहीं होता है, कोई कोई ऐसा प्रोटिस्टा होता है जिसमें कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए कुछ कुछ जो कि हर एक प्रोटिस्टा होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। अब बताइए जब क्लोरोफिल है तो वो हरा दिखेगा, और हरा दिखेगा तो वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया भी कर लेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप लोगों को पता होगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलते हैं, बात को समझे। ये क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्या होते हैं आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं, क्योंकि मैं आपको डिटेल से डिटेल और बेसिक से बेसिक बताया जाएगा, क्योंकि आप लोग कर्मा जीएस सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को अधूरा जानकारी तो दिया ही नहीं जाएगा, आपको टोटल का टोटल आपको पूर्ण जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जितने प्लांट सब होते हैं, जितने पौधे सब होते हैं, जो भी हरे पेड़ पौधे हैं, वो सभी के सभी में अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्योंकि वो हरा जो दिखता है वो क्लोरोफिल के कारण ही हरा दिखता है, बात को समझे। तो अब जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी क्या करते हैं, सन से यानी सूरज से, सूरज रोशनी ले लेता है, सनलाइट ले लेता है, और मिट्टी से पानी ले लिया, वाटर ले लिया, और क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर से यानी हवा से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और इन सभी को लेकर के वो बनाता है क्या, खाना में, खाना बनाता है, और खाना जो बनाता है वो खाना में क्या, दाल भात सब्जी बनाता है, नहीं भाई क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। आपका इसका फॉर्मूला पता होगा C6H12O6, ठीक है, बात को समझे नहीं समझे। तो भाई ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है अपने खाना के रूप में, ठीक है। तो खाना बनाने की प्रक्रिया जो कि प्लांट्स लोग करता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या, ठीक है। इसमें क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, शुगर बनाता है। अब देखिए एक बात बताइए, जो हरा था वो खाना बनाया खुद से, तो उसको बोले ऑटोट्रॉप्स, यानी खुद से बनाया तो वो स्वपोषी हुआ, स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, क्योंकि ये खुद से खाना बनाया। लेकिन कोई कोई ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, अपना जो खाना खाएगा दूसरे पे डिपेंड होकर के, दूसरा मरा हुआ चीज़ों से खाना खाता है, दूसरे चीज़ों पे डिपेंड होकर के खाना खाता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो कुछ कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी
होते हैं। क्लियर है? देखिए ये जो होते हैं ये सेक्सुअल, इसमें जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल भी होता है असेक्सुअल भी होता है, दोनों होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी अगर कोई कोई ऐसा प्रोटिस्टा होता है जो कि अपना फीमेल प्रोटिस्टा के पास भी जाता है और वहां पे सेक्सुअल रिलेशन अपना करके अपने जैसा एक नया संतान को पैदा करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल में जो कि बिना किसी के पास गए, ठीक है, बिना किसी फीमेल, अगर मेल है तो फीमेल के पास गए और फीमेल है तो मेल के पास गए बिना, ठीक है, अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहा है अपना अपने जैसा संतान को पैदा कर रहा है उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात को समझिए, इसमें दोनों का दोनों कामें होती है। बात को समझे, मैंने प्रोटिस्टा और मोनेरा के बारे में बता दिया, अगले क्लास में जो होगा ये होगा कवक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंगी। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा तब मैं आपको एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। एनिमल्स का जब पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तब मैं बताऊंगा किसके बारे में, तब मैं बताऊंगा आपको बॉटनी यानी प्लांट्स के बारे में। बात को समझे, ये हमारा पांच जगत होगा, पांचों जगत को मैंने दो जगत को कंप्लीट कर दिया आज, अब जो है तीसरा जगत कल होगा। ठीक है, तीसरा जगत खत्म करके तीसरा जो जगत होगा आज मैंने दो जगत का कंप्लीट किया ना, कल तीसरा होगा। ठीक है, तीसरा मतलब पांच जगत में इन्होंने बांटा था ना, तो तीन जगत को कंप्लीट करके जो चौथा जगत होगा एनिमल्स, उसी में हम लोग आते हैं। और उसको जब हम लोग पढ़ेंगे ना, लगभग उसका लगभग 80 से 90 वीडियो होगा। ठीक है, अब आप लोग इतना सोच के घबरा नहीं जाइएगा, क्योंकि ये जो हमारा बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच चल रहा है, और इस बैच में आप लोग अगर कहीं पर नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं आपको वादे के साथ बताता हूँ, आप लोगों को हर एक डाउट, हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को इतना ही इजी भाषा में समझा देंगे कि आप लोग इतना इजी भाषा कहीं पर नहीं पढ़े होंगे। समझा गया, बात को समझे। ये मोनेरा था, प्रोटिस्टा था आज के क्लास में। अब मिलते हैं इसी तरह के अगले क्लास में, अगले हमारा सेशन में, एपिसोड 3 में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, आप लोग पूरा वायरल कर दिए वीडियो को, ठीक है, जिससे कि सभी को लाभ मिल सके, सभी हमारे सेशन से जुड़ सके। ठीक है, अब मिलते हैं इसी तरह अमेजिंग भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।